नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यह पहली बार हुआ कि याचक ने हाथ भी फैलाए, फिर बाद में आंखें भी दिखा दी। वह भी उस देश के राष्ट्रपति ने ऐसा किया जिसने साल 1964 में भयंकर अकाल में भारत को अनाज देने से मना कर दिया था। बाद में कुछ अनाज भेजा तो वह दोयम दर्जे का सड़ा गला अनाज था जिसे पशु भी बामुश्किली खा सकते थे। इसके बाद ही भारत में हरित क्रांति की नींव पड़ी थी। आज की घड़ी भारत अनाज के निर्यातक देशों में शामिल है। केवल इतना ही नहीं, 1990 के दशक में अमेरिका ने भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था, मगर इसरो ने यह टेक्नोलॉजी भी अपने अथक परिश्रम से प्राप्त करके दुनिया को चौंका दिया। जिसने भारत के साथ ऐसा बर्ताव किया, आज वे एक भिखारी के रूप में झोली फैलाए हुए है तो दिन किसे याद नहीं आएंगे। पर सवाल बीते दिनों की स्मृति से नहीं है, बल्कि उस खेकड़ी का है जो याचक बनके खुशामद करने वाला हिंदुस्तान को दिखा रहा है। यह वो भारत है जहां मोदी की सरकार है। आज सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ट्रंप की सारी दादागिरी की धज्जियां उड़ा दी है। सरकार ने कहा है कि भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगी पाबंदियां अवश्य हटाएगा, लेकिन सबसे पहले देश की जरूरत के अनुरूप स्टॉक तय किया जाएगा। साथ ही इस दवाई को अपने पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अमेरिका को नहीं दी जाएगी। ट्रंप को भी इस दवाई का निर्यात जरूर होगा, मगर इसके लिए अमेरिका को अपना व्यवहार सुधारना होगा। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल जो बिडेन ने भी ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का डिप्लोमेटिक ज्ञान अल्प है, मोदी से वार्तालाप ठीक हो सकता है, मगर जो आचरण ट्रंप ने दिखाया वह मित्रवत नहीं है। इन हालातों में ओबामा केयर का पालन करने की आवश्यकता है, न कि हेकड़ी दिखानी चाहिए। इस वक्त नागरिकों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसमें ट्रंप असफल हो चुके हैं। दरअसल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल का अमेरिका को काफी बेसब्री से इंतजार है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इस वायरस के इलाज में काफी कारगर माना जा रहा है। भारत में इन दोनों दवाइयों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इस दवा के निर्यातक देशों में भारत सबसे आगे है। अमेरिका में यह वायरस बड़ा कहर बरपा रहा है। यहां 10,870 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,60,000 संक्रमण की चपेट में है। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने वायरस की स्थिति पर पीएम मोदी से बात की थी। इसी बातचीत में ट्रंप ने मोदी से यह अनुरोध किया था कि वह इस दवा की आपूर्ति अमेरिका में करने की इजाजत दे दे। पीएम मोदी ने ट्रंप को इस दवाई को भेजने का आश्वासन भी दिया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बावजूद भारत को जिस तरह धमकाने की कोशिश की, उससे पूरा देश आज गुस्से में है। साल 2000 से भारत और अमेरिकी संबंध काफी मैत्रीपूर्ण हुए हैं। इसका श्रेय जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह को ही जाता है। बाद में बराक ओबामा और मोदी ने और बेहतर किया है। ट्रंप ने भी भारत के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण दिखाया है, मगर ताजा बयानबाजी कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच खटास उत्पन्न कर सकती है। बड़ी बात यह है कि भारत अमेरिका को अपने मित्र देशों में शुमार करता है। अमेरिका को भारत वैसे भी निराश नहीं करने वाला था, मगर जो बिडेन का बयान ट्रंप को आगाह करने के लिए काफी है। इस वक्त हर देश इस वायरस के संकट से जूझ रहा है। सभी देशों के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा प्रथम है। दुनिया को ध्वस देने वाले अमेरिका में त्राईमाम मचा हुआ है। ऐसे में भारत के आगे उसे झोली फैलानी पड़ रही है, तो भारत उसे याचक की दृष्टि से नहीं, मानवीय दृष्टिकोण से देख रहा है। जहां विश्व गुरु के रूप में भारत अपने कद के हिसाब से सभी की मदद कर रहा है। भारत ने इस बीमारी पर जिस तरह से काबू किया है, अब वे विकसित देशों के लिए एक सबक बन चुका है। कम संसाधनों के बावजूद 130 करोड़ की आबादी को संक्रमण से बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। भारत के पास खुद भी कई तरह के मेडिकल उपकरणों की कमी है, मगर यहां दवाइयों की कोई कमी नहीं है। मोदी सरकार ने अमेरिका को दवाई भेजने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया है, पर यह दवाई अमेरिकी ध्वस से डरकर नहीं भेजी जा रही है, बल्कि इसके पीछे ट्रंप की गुहार, मानवीय दृष्टिकोण और एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति समर्पण का भाव है। शायद ट्रंप से पहले जो बिडेन को यह बात समझ में आ गई है, इसलिए आज जो बिडेन भी पीएम मोदी की तारीफ में बोलते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।